बुंदेलखंड कनेक्ट ने इस बार कनेक्ट किया है अन्नदाता को, यानी जो हमें अन्न देता है, जो हमारी भूख को शांत करता है, उसके लिए हमें भी सोचना चाहिए, उसकी तकलीफों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। बुंदेलखंड में कृषि ही जीवन का आधार है। कम होती खेती की जमीन, सीमित संसाधन, अन्ना प्रथा और सीमित वर्षा ऐसे कारक हैं जिनके कारण यहाँ की खेती प्रभावित हुई है। समस्याओं से जूझ रहे किसानों के जीवन में कैसे आएगा बदलाव, कौन से हैं उपाय जिनसे किसानों की आय बढ़ेगी, पलायन रुकेगा, किसान खुशहाल बनेगा, और यदि अन्नदाता ही खुश ना हुआ तो देश कैसे तरक्की करेगा, इसी को तो ध्यान रखा है बुंदेलखंड कनेक्ट ने। इस बार का कृषि विशेषांक आपको निराश नहीं करेगा, खास तौर पर हमारे अन्नदाताओं को। इस अंक के अतिथि संपादक हैं बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर यूएस गौतम। उन्होंने स्वयं और यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा बुंदेलखंड कनेक्ट के इस अंक में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी जानकारी देने की कोशिश की है। इस कारण बुंदेलखंड कनेक्ट का यह अंक पठनी, संग्रहणी और किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होने वाला है। बुंदेलखंड के विकास में बांदा कृषि विश्वविद्यालय एवं झांसी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका के साथ साथ आप पढ़ेंगे कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में, जिनके ऊपर है बुंदेलखंड की तरक्की का दारोमदार। कृषि समस्याओं का समुचित एवं सर्वोत्तम समाधान हो या बुंदेलखंड में कृषि में उद्यमता विकास की संभावना, आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। इसी प्रकार बुंदेलखंड की माटी में क्या खासियत है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। उद्यानिकी से समृद्धि कैसे लाई जा सकती है, बुंदेलखंड की जल समस्या का समाधान आखिर क्या है और भविष्य की आवश्यकताएं क्या है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैविक कॉरिडोर क्या है, इससे किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, क्यों है ये जरूरी, पढ़ें इस स्टोरी में। खेती से जुड़े व्यवसाय, बकरी पालन हो, मधुमक्खी पालन या मशरूम उत्पादन, आपके लिए बेहतर फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। ऐसे किसान जिन्होंने तमाम मुश्किलों को दरकिनार करते हुए सफलता के झंडे गाड़े हैं, ये भी यहाँ जानने को मिलेगा। बुंदेलखंड में सुगंधित और औषधि वाले पौधे लगाने पर आपको कैसे होगा फायदा, ये भी जरूर जानें। मसालों की खेती से भी यहाँ के किसानों के जीवन में खुशहाली आ सकती है, पर कैसे, यहाँ पढ़िए। समय की मांग क्या है, एकीकृत कृषि प्रणाली, इसके बारे में और दलहनी फसलों की संभावनाओं के बारे में और भी लोगों को बताएं। पौधों में लगने वाले रोगों से छुटकारा कैसे पाएं, ये पता चलेगा इस लेख में। पर इन सब के बावजूद हमारे हर निवाले में खतरनाक सौगात आखिर कौन सी है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सेहत से जुड़ा ये मुद्दा आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैश्विक समस्याओं का स्थायी समाधान कृषि है और अन्नदाता खुश तो सब खुश, पर आखिर ये सब होगा कैसे, इन सब उलझनों को सुलझाएंगे ये लेख। देखा जाए तो खेती और किसानों के लिए हम सभी ने मिलकर इस अंक में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां समाहित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही हमेशा की तरह संपादक अतुल अग्रवाल की कलम से वृक्षारोपण के महत्व पर चिंतन जारी है, तो वहीं संरक्षक युवराज सिंह का अंतर्मन कहता है कि कश्मीर से धारा 370 खत्म होने से भारतीय एक हुए हैं। और अंत में आपको हमारी कोशिश और ये अंक कैसा लगा, हमें bundelkhandconnect@gmail.com पर ईमेल करके जरूर बताइएगा। हम आपके अनुसार अगले अंकों में पठनी और उपयोगी सामग्री देने की भरपूर कोशिश करेंगे। पत्रिका निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए लॉगिन कीजिए bundelkhandnews.com। बुंदेलखंड के हर इनोवेशन को आपसे कनेक्ट करता है बुंदेलखंड कनेक्ट।